हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो आर्टिकल आया ना, वो आया है एक्चुअली कोणार्क के सन टेम्पल के बारे में। तो इसके बारे में जो दो चार फैक्ट हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम उन पॉइंट को यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी उन पॉइंट्स वगैरह को डायरेक्टली पूछ सकती है। तो उन पॉइंट्स को हम एक करके सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो 13वीं शताब्दी में बनाया गया। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी, यूपीएससी 3-4 स्टेटमेंट के थ्रू इस क्वेश्चन को पूछ सकती है, कौन से देवता को समर्पित है। यह जो सन गॉड है उनको यह समर्पित है, मतलब सन के देवता हैं, सूर्य देवता है भगवान, उनको यह समर्पित है। और यह एक्चुअली रथ के आकार में बना हुआ है, पैगोड आकार में। इसमें 7 घोड़े वगैरह हैं जो एक रथ को खींच रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी डायनेसिटी थी, ये यूपीएससी बहुत बार पूछ लेती है कि कौन सी सल्तनत थी, कौन था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे गंगा डायनेसिटी थी, वो उड़ीसा में रूल करती थी और उसके द्वारा इसका निर्माण है वो किया गया था। और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में ऐड है वो किया गया था। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वह इंक्लूड है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट वो आ जाता है। इसके साथ इसमें अगला पॉइंट वो ये कि आता है कि कोणार्क है ना, वो थर्ड लिंक ऑफ उड़ीसा का गोल्डन ट्रायंगल। मतलब ये है कि उड़ीसा में तीन इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाते हैं जो कि एक ट्रायंगल की शेप बनाते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, तो एक ट्रायंगल बन गया ना ये वाला सिक्वेंस इसको। तो एक कौन कौन से है, पहला तो होता है जगन्नाथपुरी, जो कि आपको पता है 4 धामों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जगन्नाथपुरी हो गई, वो भी उड़ीसा में। इसके साथ ही एक भुवनेश्वर आता है, तो एक साइड भुवनेश्वर होगा। तीसरा कौन होगा, कोणार्क का सन टेम्पल यहाँ पे। तो इस तरीके से तीनों का एक ट्रायंगल होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे नोट डाउन करके रखनी है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि कोणार्क का जो सन टेम्पल है या सूर्य भगवान का जो मंदिर है, यह एक्चुअली इसका दूसरा अदर नाम हुआ है ब्लैक पेगोडा। मतलब ब्लैक पेगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसका कलर है वो डार्क है, इसलिए ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो जगन्नाथ टेम्पल है ना उड़ीसा के अंदर ही, पूरी के अंदर एक्चुअली पूरी जगह है उड़ीसा में, और वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है। उस जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पेगोडा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि व्हाइट पेगोडा किसको कहते हैं और ब्लैक पेगोडा किसको कहते हैं। ब्लैक पेगोडा मतलब सन टेम्पल कोणार्क का, व्हाइट पेगोडा मतलब जगन्नाथ टेम्पल है पूरी वाला वो है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ ही भी न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि जो चंद्रभागा जो मेला है ना, वो हर फरवरी में आयोजित किया जाता है। वो एक्चुअली इसी एरिया में, मतलब इसी विलेज में आयोजित हो किया जाता है, जो कि हिंदुओं के तीर्थयात्रियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं आपको नोट डाउन करके रखने हैं, एग्जाम में यूपीएससी इनको पूछ सकती है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आज फिर ऐसा है वो है नेमो पॉइंट के बारे में। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि चाइना का एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है एक्चुअली तियांगोंग फर्स्ट, जो कि एक तरीके से इंटरनेशनल सोलर स्टेशन है। तो वो अभी क्या है कि वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो धीरे धीरे अर्थ की साइड आ रहा है। और अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हुए वो अर्थ के किसी एरिया में लैंड होने गिरने वाला था एक्चुअली, क्योंकि कचरे की तरह से। तो अभी उसको साइंटिस्ट ना मूव कर रहे हैं कि भाई वो ऐसे एरिया में जाके गिरे ताकि वहाँ से किसी को नुकसान वगैरह ना हो, किसी भी जान माल की हानि ना हो। तो उसको एक्चुअली साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि एक ये जो पॉइंट है नेमो पॉइंट, इस वाले एरिया में डाला जाए। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई नेमो पॉइंट है क्या, क्योंकि ये यूपीएससी पूछ सकती है। नेमो पॉइंट का मतलब ये है कि ये वो वाला पॉइंट है हमारे ओशियन के अंदर है एक्चुअली, और पैसिफिक ओशियन में। इसके एक साइड आप देख सकते हो कि यहाँ पे अंटार्कटिक है, एक साइड यहाँ पे मतलब ब्राज़ील वाला एरिया जब जो हमारा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट वो आता है, और एक साइड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो तीनों के बीच वाले इस एरिया में यहाँ पे नेमो पॉइंट है, जो कि क्या है यहाँ पे एक तरीके से कोई भी मतलब बायोडाइवर्सिटी वगैरह नहीं है, ऑलमोस्ट डेड सी है। मतलब यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है, ना तो जो ओशियन की सरफेस के ऊपर कुछ पाया जाता है इतना कुछ, और ना ही ओशियन के अंदर कोई भी बायोडाइवर्सिटी वगैरह होती है। मतलब एक तरीके से डेड जोन वाला एरिया है यहाँ पे। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पानी का टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिस वगैरह नहीं है। तो इसलिए साइंटिस्ट वगैरह जो भी वो कचरा वगैरह होता है स्पेस वगैरह से आता है, उसको इस वाले एरिया में डंप करवा देते हैं। तो ये एक तरीके से ग्रेवयार्ड या एक तरीके से कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है स्पेस क्राफ्ट के लिए, क्योंकि इस वाले एरिया में कोई भी नुकसान वगैरह नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो मछली वगैरह है, ना ही कोई और तरह की स्पेसिस है, और ना यहाँ पे ह्यूमन वगैरह कोई आइलैंड वगैरह आसपास में। क्योंकि इसके आसपास जो आइलैंड है उसकी मिनिमम डिस्टेंस देखा जाए तो वो यहाँ पे है 2600 किलोमीटर, मतलब काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए इस नेमो पॉइंट वाले एरिया में साइंटिस्ट क्या है कि जो अंतरिक्ष यान वगैरह का जो कचरा वगैरह वो यहाँ पे डंप कर देते हैं। तो अभी प्लानिंग ये की जा रही है कि जो चाइना का एक जो सेटेलाइट है, जो सेटेलाइट का स्पेस कार्ड बोल सकते हो उसको एक्चुअली, जिसका नाम है तियांगोंग फर्स्ट है, तो उसको एक्चुअली यहाँ पे डंप करने की कोशिश है वो की जा रही है। एक्चुअली तियांगोंग नाम से आप खुद ही समझ जाओगे कि ऑब्वियसली चाइना का ही है। तो इसमें एक तो ये पूछ सकते हैं कि यूपीएससी की, एक तो नेमो पॉइंट है क्या, एक ये पूछ सकते हैं कि नेमो पॉइंट है कौन से ओशियन में। तो ध्यान रखना है कि साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर इसकी लोकेशन है वो यहाँ पे है। लोकेशन हमने देख ली, एक साइड तो यहाँ पे आ गया साउथ अमेरिका, एक साइड यहाँ पे अंटार्कटिका आ गया, और एक साइड यहाँ पे
ऑस्ट्रेलिया आ गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है कलमकारी आर्ट म्यूजियम के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि कलमकारी जो आर्ट म्यूजियम है वो आंध्र प्रदेश के पेडोना में ओपन हो क्या गया है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई कि कलमकारी जो आर्ट है वो ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश की है, मतलब साउथर्न वाले एरिया की है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है, तो यूपीएससी हमें पूछ सकते हैं डायरेक्टली फैक्ट एक। तो इसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि जो कलमकारी आर्ट जो पेंटिंग है ये किस तरीके से की जाती है। ये एक तरीके से तो हैंडमेड पेंटिंग है, मतलब हाथ के द्वारा की जाती है। इसमें जैसे कि एक तरीके से हम मोहर वगैरह बना ले जाते हैं, जैसे कि हम स्टाम्प लगाते हैं ना कुछ भी साइन वगैरह के लिए, उस तरीके की जो भी स्कूल वगैरह की स्टाम्प, उसी तरीके से स्टाम्प बना ली जाती है किसी भी डिज़ाइन की। फिर उसको जो कॉटन या फिर जो सिल्क फैब्रिक होता है उसके ऊपर ठप्पे लगा के एक तरीके से डिज़ाइन है या बनाई जाती है। तो इसके जो डिज़ाइन की जो बनावट वगैरह थी वो भी हमने देख ली, कौन से रीजन से बिलोंग करती है, वो करती है आंध्र प्रदेश से। चलते हैं इसके साथ ही एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, वो आता है इसके दो सब टाइप और हैं, जिसका एक का नाम है वो तो आता है श्रीकला हस्ती। तो ये भी ध्यान रखना कि श्रीकला हस्ती है वो कलमकारी जो पेंटिंग है ना इसी की सब टाइप है। दूसरी आती है वो आती है मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम भी आपको पता है साउथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट था एक्चुअली, जब डच वगैरह आए थे इंडिया में उस टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन था मछलीपट्टनम में, वहाँ पर पोर्ट वगैरह भी था। सॉरी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक तो श्रीकला हस्ती और मछलीपट्टनम में वो कलमकारी जो आर्ट है इसके ही दो सब टाइप हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फास्ट ट्रैक टास्क फोर्स के बारे में। देख लेते हैं कि फास्ट ट्रैक टास्क फोर्स है क्या। यह एक्चुअली एक बॉडी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसका यह टास्क फोर्स क्यों बनाई गई थी, एक तरह से बॉडी बोल सकते हो, या इसके लिए बनाई गई थी ताकि हमारे देश में 2019 तक लगभग 500 मिलियन मोबाइल हैंडसेट हैं वो बनाए जाएँ, मतलब इंडिया को एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है वो बनाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल कंज्यूम भी होते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया मोबाइल खुद अपने मोबाइल बनाए ताकि बाहर एक्सपोर्ट भी करे और इंडिया को अच्छा रेवेन्यू भी हासिल हो। जिस तरीके से आपको पता कि चाइना करता है कि सबसे ज़्यादा मोबाइल प्रोड्यूस करता था, और अभी आपको बता दूँ कि चाइना है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मोबाइल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पहले था वियतनाम, बट अभी रिसेंटली है इंडिया आ चुका है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि इंडिया वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लो मोबाइल प्रोड्यूसर है वो बन चुका है अभी। तो काफ़ी सारे मोबाइल प्रोड्यूस करने हैं इंडिया को, और इसमें टारगेट रखा गया कि लगभग $46 बिलियन के आसपास की कॉस्ट के में मोबाइल प्रोड्यूस है वो करने हैं, मतलब 500 मिलियन मोबाइल हैंडसेट हैं उनकी इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। 2019 तक का गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट है वो रखा गया है। तो अभी फास्ट ट्रैक जो टास्क फोर्स है क्या करेगी, यह एक तरीके से एक रोड मैप बनाएगी, मतलब किसका रोड मैप कि कौन सी टेक्नोलॉजी है कैसे में यूज़ करना है, किस तरीके से डिमांड को बूस्ट करना है, कहाँ कहाँ में सप्लाई वगैरह करनी है, कौन कौन से स्टैंडर्ड वगैरह फॉलो करने हैं उन सब के साथ। इसी के साथ भी जो भी रेगुलेशन वगैरह कंट्रोल है उन सबका काम भी इसके द्वारा किया जाएगा। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि फास्ट ट्रैक टास्क फोर्स किस रिलेटेड है, तो ध्यान रखना कि भाई इंडिया को मोबाइल हब है वो बनाने के लिए इसका काम है, वो स्टार्टिंग है इसकी की थी। अगला जो आर्टिकल आता है वो आता है वालोंग ट्राई जंक्शन के बारे में। आज फिर वालोंग ट्राई जंक्शन के बारे में है। वालोंग जो ट्राई जंक्शन है वो एक्चुअली ट्राई जंक्शन का तो समझ गए कि तीन एरिया जहाँ पे टच कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्राई जंक्शन। तो यहाँ पे वालोंग है वो आता है इंडिया चाइना और म्यांमार वाले एरिया में। तो मतलब इंडिया चाइना और म्यांमार का जो बॉर्डर टच होता है वो जो एरिया है उसको बोलते हैं वालोंग ट्राई जंक्शन, जो कि मेनली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देखो डोकलाम में काफ़ी इंसर्जेंस काफ़ी एक तरीके से मतलब माहौल वो तनातनी का हो गया था, तो इसलिए इंडिया पहले से तैयार हो गया है कि भाई वालोंग वाले एरिया में कुछ भी कोई तरीके खचड़ पचड़ ना हो, उसके लिए वालोंग ट्राई जंक्शन वाले एरिया में कोई भी स्टेप उठाए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा। क्योंकि ध्यान रखना कि वालोंग ट्राई जंक्शन है वो इंडिया चाइना और म्यांमार वाले बॉर्डर पे हैं, क्योंकि ट्राई जंक्शन यूपीएससी की बार पूछ लेती है मैच द फॉलोइंग वगैरह में। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो मैंने डिस्कस किया था कि ताइगोंग जो फर्स्ट है वो चाइना का एक स्पेस लैब थी, मतलब एक तरीके से सेटेलाइट नहीं एक स्पेस यान था बड़ा, इसके अंदर रिसर्च वगैरह करने के लिए जैसे इंटरनेशनल स्टेशन था ना उसी तरीके से चाइना ने बनाया था ताकि भाई हम हमारी पर्सनल एक तरीके से रिसर्च वगैरह कर सकें स्पेस में, बट ये अभी पथभ्रष्ट हो गया और एक तरीके से मतलब इंडिया में तो क्या बोलोगे आप, मतलब अर्थ के ऊपर आने लग गया था, तो उसी को अभी नेमो पॉइंट की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया वो है दिल्ली और बीएस स्टेज 6 के बारे में, कि दिल्ली इंडिया की पहली ऐसी सिटी बन गई है जिसमें भारत स्टेज 6 का जो फ्यूल है पेट्रोल या डीजल दोनों को अलाउ है वो है कर दिया गया, मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाने स्टार्ट हैं वो हो गए हैं। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया में सबसे पहले BS6 कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखना कि BS6 दिल्ली में स्टार्ट किया गया सबसे पहले। देखो एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि भारत स्टेज जो फोर है वो अभी चल रहा है रिसेंटली, और भारत स्टेज 5 को गवर्नमेंट है वो स्किप कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम भारत स्टेज 5 वो नहीं लेके आएंगे, हम डायरेक्ट 6 ही वो इंट्रोड्यूस करेंगे, और 2020 तक का टारगेट रखा गया है
कि 2020 तक हमारे देश में भारत स्टेज सिक्स के ही जो फ्यूल वगैरह है वो भी एक तरीके से सप्लाई होंगे, इसके बाद में कोई भी नए स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा, मतलब BS5 को इंडिया में स्किप किया गया, ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जाता है कि भाई UPSC ये पूछ सकती है कि भारत स्टेज सिक्स की क्वालिटी या क्या 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 खासियत है, तो इसकी खासियत ये है कि इसमें जो सल्फर की मात्रा है ना वो लगभग 80% से भी कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मेनली जो एटमोसफेयर में जो भी एक तरीके से नुकसान पहुँचता है ग्रीन हाउस गैस वगैरह उनमें, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है वो काफी खतरनाक होती है, तो इसलिए सल्फर की मात्रा को इसमें 80% तक कम कर दिया गया, तो मतलब सल्फर का एमिशन है वो बहुत कम होगा, जिससे पोल्यूशन है वो बहुत कम लेवल पे होगा। और आपको पता है कि दिल्ली NCR वाले एरिया में तो पोल्यूशन वैसे ही बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले दिल्ली NCR वाले एरिया में इसकी स्टार्टिंग वो की है। इसके साथ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है NOx जो गैसें होती हैं उनकी मात्रा भी बहुत कम है, मतलब 25-70% के आसपास उनकी भी मात्रा कम हो जाएगी, तो ऑल ओवर बात यह कि BS6 को जब यूज़ करेंगे व्हीकल्स में तो पोल्यूशन वो बहुत कम होगा, और जो खतरनाक जो पर्टिकुलर मेटल्स बाहर निकलते हैं इंजन के चलने से वो भी कम निकलेंगे बाहर, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे एटमोसफेयर इन्वायरमेंट है वो नुकसान नहीं जाएगा, तो उसको लेकर आपको 2-4 पॉइंट्स वो ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो नई साइट है वो आइडेंटिफाई की गई है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। 6 साइट हैं, नाम आपको देखो याद नहीं रखो तो भी चल जाएगा, बट आप ये ध्यान रखना कि कौन से वाले एरिया में। सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है अप्टानी कल्चरल लैंडस्केप। ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में एक लैंडस्केप वाला एरिया है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो किया गया है। इसके साथ ही एक और है जो है भारत की एक मतलब सिंबल है जिसका नाम है बुलंग क्लस्टर जो कि साड़ी वगैरह के लिए फेमस है उस वाले एरिया को। इसके साथ ही अगला पॉइंट आता है वो आता है मुआदेम दराउंड है वो एक्चुअली ओरम राजवंश है जो कि असम की एरिया में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर याद हो तो देखना कर लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं है, इतना सब आप रटने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ये डालना कि रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ही जो न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको इंक्लूड किया गया है। आगे अगला वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में, इसके बारे में पहले डिस्कस भी कर चुके हैं काफ़ी बार। इसके साथ ही असम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर में मंजुली द्वीप है उसकी बात यहाँ पे आती है, और इसके साथ ही थबंग गढ़वाले गांव जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो ये आप 6 स्टेज हैं, ये 6 के अगर नाम याद नहीं हो तो बस यही ध्यान रखना कि भाई नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो इंक्लूड की गई है। नाम तो UPSC नहीं पूछेगी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है नेटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये UPSC पूछ सकते हैं क्योंकि रिसेंटली इसका इनोग्रेशन वो किया गया था। तो ये एक्चुअली स्टार्ट किया गया वो किया गया यमुना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है टोंस। तो टोंस है वो यमुना की सहायक नदी है जो कि उत्तराखंड वाले एरिया में बहती है, और इस वाले एरिया में एक्चुअली जो नटवार मोरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि टोंस नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है उत्तराखंड में, और इसका जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसका नाम है नटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है NARSS के बारे में, नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है वो भी देख लेते हैं और सारा सीन देखते हैं। देखो बात ऐसी है कि इंडिया ने सैनिटेशन के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए थे, स्वच्छ भारत वगैरह ETC। तो बात ये कि अभी वर्ल्ड बैंक है उसने कहा कि भाई हम आपको फाइनेंशियल एड वगैरह तो देंगे, बट सबसे पहले आप एक सर्वे वगैरह करो, एक मतलब इंडिपेंडेंट सर्वे आयोजित करो ताकि हमें पता चले कि भाई आपने जो खर्चा वगैरह किया उसका कुछ आउटपुट आया या नहीं आया, या यूँ ही आप फालतू में खर्चा वगैरह कर रहे हो। तो जब वर्ल्ड बैंक ने ऐसी बात की तो इंडिया ने एक जो है ना एक इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है मतलब एक्चुअली जिसका नाम है कंट्रोल पब्लिक, तो कंट्रोल पब्लिक एक इंस्टीट्यूट ना, इसके द्वारा यह सर्वे है वो किया गया था NARSS सर्वे। इस सर्वे में ये चीज़ सामने कि हमारे देश में लगभग 77% है जो रूरल एरिया में, मतलब रूरल एरिया का 77% एरिया है वहाँ पे तो टॉयलेट एक्सेस है, मतलब 77% एरिया में टॉयलेट की एक्सेस है, बट लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 68%, मतलब 68% तो फुली तरीके से टॉयलेट है उनको यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस है 77% के पास, यूज़ कर रहे हैं 68%। और ये बात सामने कि केरल और मिजोरम है वहाँ पे रूरल एरिया में मैक्सिमम लोग मतलब 100% लोग हैं वो जिनके घरों में टॉयलेट है वो उनको यूज़ वो कर रहे हैं। तो ये इसके सर्वे की बात सामने आई है, हमें ध्यान रखना है NARSS नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे सफाई से रिलेटेड है। टॉयलेट वगैरह गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बनवाए थे तो उनके लिए वर्ल्ड बैंक के कहने के बाद इंडिया ने ये सर्वे वो किया था। किसके द्वारा किया गया था? यह कंट्रोल पब्लिक के द्वारा जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट उसके द्वारा इसका सर्वे है वो आयोजित किया गया था केरल और मिजोरम में। ये बात सामने आई कि भाई वहाँ पे 100% रूरल एरिया में टॉयलेट का यूज़ किया जा रहा है, बिहार और UP की हालत सबसे नीचे आई, वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 44% लोग हैं रूरल एरिया में वही टॉयलेट का यूज़ है वो कर रहे हैं। तो ये थी कुछ बेसिक न्यूज़ तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब आज हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि UPSC पूछ सकते हैं मे भी। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन ये बताइए कि वो है गोबरधन स्कीम के बारे में, कि गोबरधन स्कीम है वो के बारे में दो स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। पहला तो ये है
कि रूरल एरिया में जो एनर्जी सिक्योरिटी है ना उसमें काफ़ी सुधार होगा इस स्कीम से। सेकंड ये है कि किसानों की जो एक तरीके से इनपुट कॉस्ट ना उसमें भी कमी आएगी। तो आपको बताना कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मेन मोटिव यही है कि रूरल एरिया में जो एनर्जी है ना उसको सिक्योर किया जा सके। इसके साथ ही जो किसानों की लागत है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि इससे जब गोबर से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या कुछ भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी तो उसका यूज़ है वो डायरेक्टली वो किसान है एक तरीके से, या तो उसका लाइट वगैरह के फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। इसके साथ जो बच्चे का सिलेवरी के रूप में उसका किसान है वो एक तरीके से खाद वगैरह के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो इनपुट कॉस्ट वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है अपना वो आता है यहाँ पे क्वेश्चन, वो आता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो आपको ये बताना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, और ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और अभी रिसेंटली लास्ट वीक भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन वो है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता के बारे में, PMRF के बारे में। तो आपको बताना है कि PMRF के बारे में कि इसका स्टेटमेंट बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि इसमें जो बीटेक छात्र है ना उनको IIT और IISc में PhD करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी स्टार्टिंग है की गई है। दूसरा ये है वो है ये कि इससे एक तरीके से जूनियर रिसर्च फेलोशिप है ना उसमें वैज्ञानिक पत्रिकाओं के शोध को प्रकाशित करने के लिए इसकी स्टार्टिंग हो की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप इसका इंग्लिश नाम है, तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना किसके लिए आई थी। दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन वो बिल्कुल सही होता है। इसमें जो बीटेक के स्टूडेंट होते हैं जो कि IIT या फिर IISc में PhD करने के लिए जाना चाहते हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए स्कीम स्टार्ट की गई है, ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी हमारी क्वेश्चन। इसके साथ ही एक क्वेश्चन वो है ऑपरेशन ग्रीन के बारे में। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन ग्रीन है वो किससे रिलेटेड है, यह भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसे भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें चार ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है टमाटर, दूसरा है प्याज, तीसरा है आलू और चौथा है दाल। तो इनसे बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो ऑपरेशन ग्रीन है उसमें टमाटर प्याज और आलू है वो तीनों इंक्लूड किए गए थे, ताकि एक तरीके से जो हमारे आज देश में आजकल टमाटर आलू प्याज की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्कीमें लाई गई थी, ताकि ऑपरेशन ग्रीन के द्वारा इनको कंट्रोल हो किया जा सके। दालें इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।